हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए ब्लॉग का आपको स्वागत करता हूँ। आज हम जा रहे हैं एक मंदिर, तो आगे जाके मैं बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, मंदिर जाने का स्पेशल रीजन ये है कि अभी चल रहा है कार्तिक के महीने, जो अभी पंचुक चल रहा है, तो 5 दिन विदाउट ऑनियन गार्लिक में हम खाना खाते हैं। और जो आखिरी दिन है, उस दिन सुबह 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 जाते हम डोंगी छोड़ने के लिए नदी को। और वो एक रीति है, एक रिवाज है, जो पूजा करते हैं उसके साथ साथ डोंगी छोड़ते हैं पानी में। तो ओडिशा फेमस बाली यात्रा चल रहा है अभी कटक पे, तो ये उसका कुछ डेमो यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, बच्चे लोग एकदम पुराने ट्रेडिशनल गेटअप में हैं, और जो ट्रेडिंग चल रहा था ओडिशा से अदर कंट्री के, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो बाली यात्रा केवल इसके लिए ही किया जाता है कि जो नाव पे ट्रेडिंग चल रहा था पहले, उसको दिखाया जाता है। तो ये मार्केट पे देखिए, इस तरह का कुछ डोंगी बेच रहे हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम सुबह सुबह जाके पानी में छोड़ने वाले हैं। तो गाइस, आपको भी अगर चाहिए तो आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे और कुछ बेहतरीन तरीके से सजा हुआ नाव, बहुत सारे नाव है यहाँ पे, सुंदर से एक से बढ़कर एक, भाई एकदम सुंदर लग रहा है। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेने के लिए, तो ये चलो ड्रोन उड़ाते हैं। कुछ ड्रोन शॉट लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं हमारा डेस्टिनेशन की तरफ, तो भाई चलते हैं। तो गाइस, फाइनली अभी हम जा रहे हैं गोजोबायणी मंदिर की तरफ, और यहाँ पे ये गांव का रास्ता कुछ आ गया है 3 किलोमीटर। और भाई यहाँ पे कुछ काम चल रहे है, वो पानी टैंकी बन रहा है, वाटर टैंक। ये पानी के अंदर एक नाव छोड़ा गया है, जो पूजा करते हैं, जो नाव बैठने वाला नाव नहीं है। ये ऊपर एक ट्रेन लाइन जा रहा है, जो ट्रेन पारादीप के लिए जाता है, ये लाइन हुई है। तो पारादीप तो भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या बताऊं पारादीप के बारे में। हम करीब करीब पहुंचने वाले हैं, और ये साइड में देखो पूरा धान का खेत, अभी दिसंबर से धान कटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ कुछ जगह पे तो कटिंग स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे पानी जल्दी सूख जाता है उस जमीन पे जल्दी कटाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी कटाई स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्टार्ट होगा ये दिसंबर में। तो हम दोनों आके पहुंच चुके हैं माँ गोजोबायणी पीठ, जो फेमस है यहाँ पे, माँ बहुत फेमस है, बहुत तरह के लोग मन्नत मांगते हैं, यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। तो गाइस, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं मंदिर में, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ मुंह धो के मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर उधर है। तो गाइस, चलते हैं मंदिर के अंदर, थोड़ा मंदिर में दर्शन करेंगे। ये जो दुकान है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है जो पूजा करने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, मंदिर के अंदर ही है ये। यहाँ पे घोड़ा मिल रहा है, ब्लैक हॉर्स, व्हाइट हॉर्स। मंदिर पे पूजा करने के बाद हम आ गए हैं बाहर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ घोड़े रखे गए हैं, ब्लैक हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, और इनमें जो मन्नत मांगते हैं वो यहाँ पे आके वो धागा लगाते हैं। तो ये देखिए भाई, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये साइड में जो जगह है यहाँ पे,
खाना बनाने के लिए और पूजा करने के लिए बहुत सारे जगह है ये बनाया गया है, क्योंकि जो ज्यादातर क्या होता है कि बच्चों को जो मुंडन करने के लिए यहाँ पे आते हैं ज्यादातर, और ऐसे इस तरह के बहुत सारे पूजा करने के लिए आते हैं लोग, तो यहाँ पे खाना बना के श्रद्धालु को खाना खिलाते हैं और भोग करते हैं। तो पूरा यहाँ पे बना गया है ये कि इस तरह से बहुत बहुत स्पेस है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम मंदिर से निकल रहे हैं, प्रसाद लेके आए हैं साथ में, बस ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ माहौल आराम से हम लोग ने दर्शन किया। चौंडी खोल टू पारादीप जाने के रास्ते में एक जगह आता है मारसाघाई, तो वो मारसाघाई के नजदीक है ये मंदिर, तो आपको अगर किसी को आना है तो आ सकते हैं। तो गाइस मंदिर से दर्शन करने के बाद अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ इस नदी के तरफ। कहा जाता है इस नदी में क्रोकोडाइल रहते हैं, घड़ियाल, क्योंकि ये जो नदी है ये लिंक होता है। तो इस नदी में क्रोकोडाइल मिल रहते हैं, क्योंकि ये जो नदी है ये लिंक है केंद्रापड़ा भितरकनिका से, तो वहाँ पे क्रोकोडाइल का पूरा अभयारण्य है, तो वहाँ से आ जाते हैं। देखो पानी में मुझे क्राब दिख गया है, ये जिंदा है कि मर गया है वो पता नहीं, क्योंकि वो हिल भी नहीं रहा है, एकदम स्थिर है। ये देख सकते हो भाई बहुत सुंदर लग रहा है, और पानी भी बहुत ठंडा है, और ये जो फील देता है ना, वो मैंने मूवी देखा था एक एनाकोंडा का मूवी, तो उसमें ऐसा ही फील आता है कि इस तरह का पानी चलता होगा और नाव पे बोट। तो गाइस ये तो जगह एकदम मस्त है, लेकिन पानी में क्रोकोडाइल है, घड़ियाल, तो पानी में जाए उतरना सही नहीं रहेगा, तो हम ऊपर खड़े हैं। इस नदी का नाम है गोबरी नदी, ये नदी यहाँ से बहते हुए पारादीप में जाके मिलता है, और समुद्र से मिलता है जाके ये। और भाई तुम क्या नहाने वाले हो इधर? होई, अरे सुन ना, मऊसा रॉक। तो मंदिर के दर्शन के बाद हम नदी के पास थोड़ा सा वक्त बिताए, फिर अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, और घर जाते वक्त कुछ खाना खाएंगे और घर जाएंगे। तो बस अभी कुछ जरूरत है, तो बस आप लोगों का प्यार की जरूरत है, तो वीडियो में थोड़ा सा प्यार दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल में बने रहिए, और आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को खत्म, नमस्ते।